अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद काउला एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। यूरोप में ये एक्सीडेंट हुआ है रोमानिया में, तो हम वीवो माल गए थे और वापसी भी आते हुए जनाब साहब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबी जैम हो गई थी, सामने टैक्सी खड़ी है, बहुत ज़्यादा उसका एक्सीडेंट इसके साथ हुआ है। तो देखें कि जो जाने वाली रोड है ठीक है, उस पर कोई गाड़ी नहीं गई ठीक है, और हम जैसे एक कह लें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ रहे थे, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हुए बी पॉइंट की तरफ कोई गाड़ी नहीं गई, सब गाड़ियां जो हैं वो ए पॉइंट में ही खड़ी रही हैं। ये क्यों ऐसा क्यों है, हम हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? हम अगर पाकिस्तान में हैं या कोई भी मुल्क है ठीक है, तो क्या है कि जनाब साहब आगे पीछे जैसे ट्रैफिक जैम हो या आगे से पीछे से दाएं बाएं हर बंदा आ जाता है। और देखें एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद गाड़ी जो है बिल्कुल जो ट्रेलर उसने लोड कर लिया है, वो सफाई की लिया बिल्कुल तमाम रोड की, कि जो कांच हैं या जो भी कचरा कचरा है वो सब कुछ ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ उस साइड पे खड़ी हैं बी पॉइंट में, जो ए पॉइंट वाली गाड़ियाँ थी वो बी पॉइंट में नहीं आई, और यहाँ से जो बी पॉइंट वाली हैं वो ए पॉइंट में नहीं आई। ऐसा क्यों है, इनके पास ऐसा क्या है कि जो हम नहीं अपना सकते? हमने पाकिस्तान में कितने एक्सीडेंट देखे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ठीक है, कितने एक्सीडेंट हमने देखे हैं कि जनाब कोई एक्सीडेंट होता है और बंदे दाएं बाएं आगे पीछे से जनाब साहब हर जगह से गाड़ी घुसाते हैं कि भाई हम घर पहुंचे। अब तकरीबन दो घंटे हो गए थे हम बस में बैठे हुए, स्ट्रक हो गए ठीक है, तो मैंने बस वाले को कहा, मैं कहा यार दरवाज़ा खोलो ताकि जो है हम जाएं। हाँ अब इनको भी जल्दी हो गई है कि यार अब रास्ता खुला है तो यार गाड़ी चलाओ ना, हम कब से यहाँ पर स्ट्रक है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो आप जो है ना अब आ सकते हो, आपने ये पीछे सायरन सुना होगा पाँ पाँ, इसका मतलब है पुलिस वालों को कि आप आ सकते हो। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, छोटी सी वीडियो बनाई है, लंबी वीडियो नहीं बनाई।